हेलो गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड और जो दूसरा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जिसमें कि फैक्टराइजेशन मेथड पे ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये वीडियो उसके लिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि इसको किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो पोस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको पता हो कि फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब ए बी सी क्या है, ए यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ रहने वाला नंबर जो कि यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो वन है, बी यानी कि एक्स के साथ रहने वाला नंबर कुछ नहीं है तो क्या है माइनस थ्री, और सी यानी कि ये पूरा कांस्टेंट दैट इज माइनस एम ब्रैकेट में एम प्लस थ्री। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ हो गया माइनस बी की वैल्यू माइनस थ्री प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर फिर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू कितना माइनस एम ब्रैकेट में एम प्लस थ्री। ठीक है, और नीचे क्या था टू ए, टू ए की वैल्यू वन। ठीक है, अब ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस यानी कि थ्री प्लस माइनस रूट अंडर माइनस थ्री का स्क्वायर दैट इज नाइन, फिर माइनस और माइनस प्लस फोर एम, और फोर एम का मल्टीप्लाई किससे करना है एम प्लस थ्री से करना है। ठीक, और नीचे क्या है टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा थ्री प्लस माइनस रूट अंडर नाइन, और उससे पहले हम पावर के आधार पर कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पावर के आधार पर मतलब ये हो जाएगा फोर एम का स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ट्वेल्व एम, और ये नाइन था आप यहाँ पे इसको नाइन लिख लीजिए अपॉन ये क्या था नीचे था टू। अब यहां आप लिखिए थ्री प्लस माइनस रूट अंडर 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9। इसको अगर आप लिखें तो अभी हम इसको सॉल्व करके साइड में बताते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 4m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 9, 4m स्क्वायर और प्लस 9, 12 को क्या लिख सकते हैं 6m प्लस 6m, इन दोनों को इन दोनों में कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा 2m, यहां क्या हो जाएगा 2m प्लस 3, इन दोनों में कॉमन 3 मिलेगा आपको। ठीक है, थ्री कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी टू एम प्लस थ्री आ जाएगा, एक ब्रैकेट में टू एम प्लस थ्री और एक और ब्रैकेट में टू एम प्लस थ्री। उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया गया है, सिंपल फैक्टराइजेशन था। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा टू एम प्लस थ्री, टू एम प्लस थ्री। अब ये एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हो रही है। ठीक है, तो थ्री प्लस माइनस ये दो पेयर है, रूट से बाहर जब भी आता है तो केवल एक पेयर बाहर आता है और नीचे हो गया टू। अब x की यहां से दो वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, पहली वैल्यू क्या कि थ्री, यहां दो साइन आपको दिख रहा है ना, केवल ऊपर वाला साइन लेंगे यानी थ्री प्लस टू एम प्लस थ्री अपॉन टू। अगर इसको लिखेंगे टू एम प्लस सिक्स अपॉन टू, टू कॉमन ले लिए यहां हो जाएगा एम प्लस थ्री बाई टू, टू से टू कट गया यहां हो जाएगा m प्लस थ्री। ठीक है, एक x की वैल्यू ये हो गई, अब दूसरे x की वैल्यू थ्री फिर माइनस टू एम प्लस थ्री अपॉन टू, यहां आपको दो साइन था, एक साइन रख के हमने सॉल्व किया, दूसरा साइन रख के अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू एम माइनस थ्री अपॉन टू। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, यहां माइनस टू एम अपॉन टू, टू से टू कट गया दैट इज माइनस एम, तो x is equal to कितना आ गया माइनस m। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे ये सॉल्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।